नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके जिले में कोई भी समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बिहार के पारस अस्पताल में लीवर का सफल ऑपरेशन, सिर्फ 30% लीवर पर जिंदा है कैंसर पीड़ित महिला, डॉक्टरों का दावा। यह बिहार का पहला मामला। राजधानी पटना स्थित पारस HMRI हॉस्पिटल के डॉक्टरों को बड़ी सफलता मिली है। यहां के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने एक 65 वर्षीय महिला के लीवर का सफल ऑपरेशन किया है। महिला का लीवर 70% खराब हो चुका था। पित्त की थैली में हुए कैंसर के कारण लीवर ने काम करना बंद कर दिया था। डॉक्टरों की टीम ने 6 घंटे के ऑपरेशन के बाद महिला का 70% लीवर काटकर निकाल दिया। अब मात्र 30% लीवर पर महिला जिंदा है। पारस अस्पताल के डॉक्टरों का दावा है कि यह बिहार का पहला ऐसा मामला है, क्योंकि ऐसे मामले देश के लिए भी रेयर है। बिहार में बढ़ती लीवर की समस्याओं को देखते हुए पारस हॉस्पिटल में लीवर क्लिनिक को लॉन्च किया गया है। बताया जा रहा है कि मोतिहारी की रहने वाली 65 वर्षीय रजिया खातून को पित्त की थैली का कैंसर था। कैंसर के कारण लीवर भी प्रभावित हो गया था। लीवर के दाएं भाग में खून की सप्लाई एवं पित्त की नली को भी अपनी चपेट में ले लिया था। डॉक्टरों का कहना है कि 60-70% लीवर पूरी तरह से खराब हो गया था। बिहार परिवहन विभाग का आदेश, हम दहेज नहीं लेंगे, अभ्यर्थियों को देना होगा घोषणा पत्र। नीतीश कुमार अपने समाज सुधार अभियान के तहत लगातार नशा मुक्ति, बाल विवाह, दहेज प्रथा के खिलाफ लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अब सरकारी विभागों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। दरअसल परिवहन विभाग ने सभी चयनित चलंत दस्ता सिपाही को 10 मार्च तक संबंधित DTO कार्यालय में योगदान देने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही विभाग ने अपने आदेश में यह साफ कह दिया है कि हर चयनित अभ्यर्थी योगदान के समय घोषणा पत्र भी देंगे, जिसमें यह लिखा रहेगा कि हम दहेज नहीं लेंगे। अगर प्रमाण पत्र में किसी तरह की गलती होगी तो उनकी नियुक्ति को रद्द कर दिया जाएगा। इसके अलावा चयनित चलंत दस्ता सिपाही को संबंधित शैक्षणिक प्रमाण पत्र भी देना होगा। नीतीश कुमार अपने समाज सुधार अभियान के तहत मंच से कहते रहते हैं कि शादी के कार्ड पर लिखवाइए कि हम दहेज नहीं लेंगे। साथ ही यह भी कहते हैं कि जो दहेज ले उसकी शादी में मत जाइए। परिवहन विभाग के आदेश के मुताबिक इन सभी चलंत दस्ता सिपाही के पद पर चयनित अभ्यर्थियों की चिकित्सा जांच सिविल सर्जन पटना के अंतर्गत गठित चिकित्सा पार्षद से कराई गई थी, जिनमें इन्हें अयोग्य घोषित किया गया था। इसके बाद PMCH से इन लोगों की दोबारा जांच कराई गई, जहां इन्हें योग्य पाया गया। इस रिपोर्ट के बाद इन सभी की नियुक्ति के लिए विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। अब एंट्रेंस एग्जाम से होगी हेडमास्टरों की नियुक्ति। 6421 पदों पर आवेदन की प्रक्रिया आज से। बिहार राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पहली बार 6421 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति प्रवेश परीक्षा के आधार पर होगी। इसमें महिला उम्मीदवारों के लिए 2189 पद सुरक्षित होंगे। आपको बता दें कि इससे पहले प्राचार्यों की नियुक्ति परीक्षा के आधार पर नहीं, साक्षात्कार और अनुभव के आधार पर प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति होती रही है। इसमें वरीयता के आधार पर प्रभारी प्राचार्यों की नियुक्ति होती रही है, लेकिन अब ये परीक्षा के आधार पर होगा। बिहार लोक सेवा आयोग को परीक्षा कराने की जिम्मेवारी दी गई है। आयोग की ओर से प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के लिए शनिवार से आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। आयोग की ओर से परीक्षा संबंधित पूरी जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 28 मार्च तक है। इसमें वर्ष 2012 के बाद STET पास शिक्षक अप्लाई कर सकते हैं। बिहार विधान परिषद चुनाव से पहले मिला गोलियों का जखीरा, पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। बिहार में आगामी 4 अप्रैल को विधान परिषद का चुनाव होना है, इसको लेकर प्रशासनिक तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में चुनाव को प्रभावित करने वाले लोग भी सक्रिय हो गए हैं। मुजफ्फरपुर में भी विधान परिषद चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां चल रही है। इसी बीच सदर थाना क्षेत्र स्थित भगवानपुर के एक खंडहरनुमा मकान से गोलियों का जखीरा मिलने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। एक साथ 35 गोलियों के मिलने से कई सवाल भी उठने लगे। बताया जा रहा है कि खंडहर हो चुका मकान बालेश्वर प्रसाद का है, जो अब दूसरे मकान में रहते हैं। इस मकान को बालेश्वर प्रसाद करीब 15 साल पहले ही छोड़ चुके हैं और अब वहां कोई नहीं रहता है। इसी खंडहर में सफेद रंग के झोले में गोलियों की छिपाकर रखा गया था। आशंका जताई जा रही है कि अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे और गोलियों को खंडहर में छिपाकर रखा गया था। बताया जा रहा है कि खंडहर बन चुका मकान जुआरियों और अवैध धंधेबाजों का अड्डा बन चुका है। शाम होते ही यहां नशेड़ियों का जमावड़ा लग जाता है। पुलिस की जांच में पता चला कि अवैध कारोबारी खंडहर में शराब भी छुपाकर रखते हैं। नबीनगर पावर प्लांट की अंतिम इकाई भी चालू, बिहार को मिलेगी अतिरिक्त
559 मेगावाट बिजली, औरंगाबाद के नवीनगर थर्मल पावर स्टेशन की 660 मेगावाट की तीसरी व अंतिम इकाई से विद्युत उत्पादन प्रारंभ हो गया है। रविवार को इस यूनिट ने केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के मापदंडों के अनुरूप अपने 72 घंटे का फुल लोड ट्रायल रन ऑपरेशन सफलतापूर्वक कमीशन कर लिया। एनटीपीसी के प्रवक्ता विश्वनाथ चंदन ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय ने इस परियोजना की 84.8% बिजली गृह राज्य यानी कि बिहार को आवंटित की है। शेष बिजली उत्तर प्रदेश, झारखंड और सिक्किम को मिलेगी। नबीनगर परियोजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आरके पांडे ने बताया कि इस परियोजना की तीसरी व अंतिम इकाई के सफलतापूर्वक कमीशनिंग के साथ ही बिहार को इस यूनिट से अतिरिक्त 559 मेगावाट बिजली की आपूर्ति भी जल्द होने लगेगी। तीसरी यूनिट एक्टिव होने से एनटीपीसी के स्वामित्व वाली नवीनगर पावर जनरेटिंग कंपनी की कुल स्थापित उत्पादन क्षमता अब 1320 से बढ़कर 1980 मेगावाट हो गई है। 10 साल से कम अनुभव रखने वाले प्रोफेसर नहीं रहेंगे कुलपति। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बिहार पर भी होगा असर। उच्चतम न्यायालय में विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। फैसले के मुताबिक नियुक्ति और उसकी प्रक्रिया भले ही राज्य के कानून के तहत हो, लेकिन वह किसी भी सूरत में UGC के प्रावधानों के विपरीत नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक आदेश दिया है कि कुलपति पद के उम्मीदवारों को प्रोफेसर के रूप में शिक्षण का अनुभव कम से कम 10 साल का होना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सामान्य रूप से पूरे बिहार सहित देश के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति के संदर्भ में नाजीर के रूप में मान्य होगा। बापू की बात याद नहीं रखोगे तो खत्म हो जाओगे, बोले नीतीश कुमार। सामाजिक कुप्रथा को खत्म करना जरूरी। समाज सुधार अभियान के क्रम में रविवार को मधेपुरा के BN मंडल स्टेडियम पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए कृत संकल्पित है। इस बात की आवश्यकता है कि विकास के साथ ही सामाजिक कुप्रथा को भी जड़ से समाप्त किया जाए। उन्होंने कहा कि समाज सुधार अभियान का यह 12वां पड़ाव है, इसे अंत नहीं शुरुआत माना जाए। विकास के साथ समाज सुधार होगा तो समाज, राज्य और देश सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेंगे। उन्होंने जीविका दीदियों सहित मौजूद लोगों से अपील करते कहा है कि अपने गांव और इलाकों में जाकर अभियान की बातों को प्रचारित कर जागरूक करें। CM नीतीश ने कहा कि शराब, दहेज प्रथा और बाल विवाह का राष्ट्रपति महात्मा गांधी भी विरोध करते थे। इस कुप्रथा को समाप्त करने में भी सभी का सहयोग करना चाहिए, लेकिन कुछ काबिल लोग अब भी इन चीजों को हल्के में ले रहे हैं। उन्हें सचेत करता हूं कि बापू की बात याद नहीं रखोगे तो खत्म हो जाओगे। हमारी निगरानी लगातार जारी रहेगी। समाज सुधार का अभियान लगातार जारी रहेगा। बिहार में बदली सड़कों की सूरत। 16 साल में 4 लेन NH की लंबाई हो गई दोगुनी। राज्य में 16 वर्षों में 2 लेन से अधिक चौड़ाई वाले NH की लंबाई लगभग दोगुनी हो चुकी है। 2005 में 2 लेन से अधिक चौड़ी सड़कों की लंबाई करीब 759 किलोमीटर थी, यह 2021 में बढ़कर करीब 1404 किलोमीटर हो चुकी है। वहीं 2005 में 1 लेन की मुख्य सड़कों की लंबाई करीब 728 किलोमीटर थी, वह 2021 में घटकर 440 किलोमीटर रह गई है। ऐसे में मुख्य सड़कों की चौड़ाई बढ़ने से जाम की समस्या से निजात मिलने लगी है। वहीं आवागमन में सुधार होने से कम समय में लोग अधिक दूरी तय करने लगे और कस्बाई इलाके के लोगों की पहुंच भी बड़े शहरों तक होने लगी। इसका सीधा असर व्यापार सहित अन्य क्षेत्रों के विकास में दिखने लगा है। वहीं 2005 में राज्य में NH की लंबाई करीब 3,624 किलोमीटर थी, यह 2021 में लंबाई बढ़कर 5,948 किलोमीटर हो गई है। बेगूसराय रेलवे स्टेशन की बदलेगी सूरत। रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने किया सर्वे। रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बेगूसराय रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाने के लिए सर्वे किया। 4 सदस्यीय टीम के द्वारा सर्वे कार्य किया गया। रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीनियर मैनेजर विनोद कुमार के नेतृत्व में स्टेशन पर पैसेंजर से इंटरव्यू सर्वे, पार्किंग सर्वे, रोड व ट्रैफिक सर्वे एवं यात्रियों के स्टेशन परिसर में प्रवेश व निषेध पर सर्वे किया गया। सर्वे करने के दौरान अथॉरिटी के सीनियर मैनेजर ने कहा कि रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाने के लिए यह सर्वे किया जा रहा है। सर्वे के बाद रिपोर्ट तैयार कर अथॉरिटी को सौंपी जाएगी, जिसके बाद रिपोर्ट के आधार पर यहां विकास कार्य शुरू किया जाएगा।
बिहार के केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन बड़े बदलाव के साथ शुरू। जानिए किन बच्चों को मिलेगी प्राथमिकता। बिहार समेत तमाम जगहों के केंद्रीय विद्यालयों में दाखिले की प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई है। पहली क्लास में दाखिले के लिए 28 फरवरी से 21 मार्च तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तिथि तय की गई है। इस संबंध में केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। कक्षा 1 के साथ ही अन्य कक्षाओं में भी सीटें खाली रहने पर नामांकन किया जा सकता है। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने कक्षा 1 में नामांकन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। कक्षा 1 में नामांकन के लिए आयु सीमा पहले 5 साल निर्धारित थी, अब इसमें 1 साल का विस्तार कर दिया गया है। अब कक्षा 1 में 6 साल की उम्र में दाखिला लिया जा सकेगा। 31 मार्च को उम्र की गणना की जाएगी। एडमिशन में आरक्षण रोस्टर का भी पालन किया जाना है। साथ ही 25% सीट RTE के तहत आरक्षित रहेगा। केंद्रीय विद्यालय एडमिशन फॉर्म 2022-23 के लिए kvsonlineadmission.kvs.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।